हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स मी इंदु एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज आप सभी की डिमांड पर मैं आ गई हूँ इंद्रलोक पटरी मार्केट पर। सो ये मार्केट इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे एवरी थर्सडे लगती है, मतलब वीक में सिर्फ एक दिन गुरुवार को ये मार्केट लगती है। एंड गाइस, ये मार्केट अर्ली मॉर्निंग लग जाती है, सो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा अगर आप 12 बजे तक यहाँ पे कंप्लीट शॉपिंग कर लें, बिकॉज 12 बजे के बाद यहाँ पे रश काफ़ी बढ़ जाता है। गाइस, इस मार्केट में मोस्टली आपको एथनिक वेयर मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारा सूट का कपड़ा थान के कपड़े में या फिर पीसेस में, काफ़ी सारे डिज़ाइंस में और काफ़ी चीप प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपके लिए यही सब कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत फुटवेयर है, बाकी सारा एथनिक कलेक्शन है। इस मार्केट में आपको काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में लहंगे भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से जब आप एग्जिट करेंगे तो मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही आपको लाइन वाइज ये पटरी मार्केट लगी हुई दिख जाएगी। सो फ्रंट पे आपको ये वाली शॉप मिलेगी, जिनके पास काफ़ी सारे यहाँ पे कपड़े अवेलेबल थे, सारे सूट के कपड़े हैं। सो आप देख सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंट्स मिल जाएंगे। मोस्टली इनके पास कॉटन का फैब्रिक था, जो आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं गाइज, वो 100 रुपीज़ पर पीस है। वो शायद वीडियो में इतनी क्लैरिटी नहीं आई है, बट कपड़ा इनसे डिफरेंट है और महंगा है। बट ये जो आप देख रहे हैं गाइज, ये 60 रुपीज़ पर मीटर है, लेकिन ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी अच्छा प्रिंट हो रखा है, और सामने आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी सारे प्रिंट्स में यहाँ पर कपड़े अवेलेबल हैं, जो कि मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड गाइज, मैंने भैया से पूछा था इनका कलर वगैरह तो नहीं जाता है, तो उन्होंने गारंटी दी है कि कलर वगैरह नहीं जाता है, अगर कलर जाता है तो सिला सिलाया सूट ला के उसकी सिलाई के भी पैसे आप ले सकते हैं। सो हाँ, आप जब भी मार्केट आएँ शॉप को ज़रूर विजिट करें। देन इस शॉप से थोड़ा सा आगे जाके गाइज मुझे ये वाली शॉप मिली, जहाँ पर मुझे काफ़ी सारे स्टाइलिश पर्स का कलेक्शन मिला, जो कि 150 रुपीज़ ईच था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप के हैंडबैग मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स में। साथ ही इनके पास बहुत सारा अच्छा कलेक्शन था, जो कि बच्चों के बैग्स का था। सो गाइस, सामने जो आप बैग दिख रहे हैं, इन बैग का भी पर बैग प्राइस 150 रुपीज़ था। ये वाला मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्स से लेकर यहाँ पे मिनी बैग्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए बैग्स भी अवेलेबल हैं। सो जब भी आप मार्केट आएँ इस वाली शॉप को भी ज़रूर विज़िट करें, ये भी आपको उस थान वाले कपड़े के साइड में ही लगी हुई मिल जाएगी। एंड गाइज, मार्केट में आपको जगह जगह पे इस तरह से पटरी सेल पर ये ब्लाउज मिल जाएंगे, जिनमें आपको अलग अलग साइज़ अवेलेबल रहेगा, और ये कलर तो सेम रहता है सबका गोल्डन, बट आपको इसके अंदर अस्तर मिल जाएगा, और सबके ऊपर जो आप स्टोन्स में इस पर डिज़ाइन देख रहे हैं, डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट होता है, और इन सब का प्राइस गाइज 150 रुपीज़ था। ये ब्लाउज आजकल इतने ट्रेंड में इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि इनका कलर ही ऐसा है, आप इसको किसी भी साड़ी के साथ मैच कर सकते हैं, बाकी डिज़ाइन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन सेम कलर में अवेलेबल हो जाए। साथ में ही गाइज, इस मार्केट में आपको जगह जगह पर इस तरह से रेडीमेड साड़ियों की सेल मिल जाएगी, जिनके अलग अलग प्राइस रेंज होते हैं और कपड़े भी डिफरेंट होते हैं। ये जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, वो आपको कॉटन की साड़ियाँ मिलेंगी प्लेन, उनका 250 रुपये प्राइस था, बट ये जो येलो वाली आप देख रहे हैं इसका प्राइस 600 रुपीज़ है, और ये लिनन का कपड़ा था, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहा था। गाइज, वीडियो में मे भी इतनी अच्छी क्वालिटी ना आए, लेकिन फ्रंट से सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। यहाँ पर 600 से 1000 रुपीज़ के बीच इनके पास साड़ियाँ थी। एंड गाइज, आपको मार्केट में जगह जगह पर इस तरह से बेडशीट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। ये सारी डबल बेड की बेडशीट्स थी, और ये सारी कॉटन में ही थी, इनका प्राइस रेंज 200 रुपीज़ था। तो 200 रुपीज़ में आपको ये बेडशीट और साथ में इसके दो पिलो कवर भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी इनके पास भी काफ़ी सारे कलर्स में एंड डिज़ाइंस में बेडशीट्स अवेलेबल थे, आप देख ही सकते हैं। एंड गाइज, ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, सूट का कपड़ा है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ पर मीटर था, शायद इसके इसी ब्यूटीफुल प्रिंट की वजह से, और बाकी कपड़ा भी एक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। सो आप देख सकते हैं इनकी सेल पर काफ़ी सारे यहाँ पे कपड़े अवेलेबल हैं, जो अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, बट जो मैंने आपको बटरफ्लाई प्रिंट दिखाया येलो कलर में, उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, और उसकी बहुत ज़्यादा सेल थी यहाँ पर। अभी वो लास्ट पीस ही बचा था इनके पास। तो इस तरह से आपको मार्केट में जगह जगह पर यहाँ पे मटेरियल सेल मिल जाएगा, एंड साथ ही आपको मार्केट में जगह जगह पर इस तरह से जूतियों की सेल भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा फुटवेयर स्टफ अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको फ्लैट्स, हील्स एंड इस टाइप की सैंडल्स भी 200 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल हो जाएंगी। सो गाइज, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं फुटवेयर्स में, ये तो सरोजनी नगर से ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको दोनों मार्केट में इस प्राइस रेंज पे अच्छे अच्छे फुटवेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको लेके चलते हैं किसी अदर सेल पर।
तो गाइज मार्केट में थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक और सेल मिली, जहाँ पे मुझे मिला गर्मियों का तोहफ़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको सूट के कपड़े दिख रहे हैं, काफ़ी सारे कलर्स उनमें अवेलेबल हैं, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। इन सब का प्राइस 150 रुपीज़ है। तो ईच पेयर आप यहाँ से 150 में ले सकते हैं, या आपको मोस्टली कॉटन में ही मिलेंगे। एंड गाइज ये जो वाइट वाला सूट का कपड़ा आप देख रहे हैं, इसका प्राइस 350 रुपीज़ है, क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत ब्यूटीफुल है और ये कपड़ा भी इनसे थोड़ा डिफरेंट था। सो ये तो मैंने आपको 150 की क्वालिटी दिखाई, अब आपको इनके पास 350 की पार्टी वियर टाइप सूट का कलेक्शन दिखाती हूँ। गाइज ये येलो वाला रियली पास से देखने में बहुत अमेजिंग था, इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट था। काश मैं आपको ये सब ओपन करके दिखा पाती, पर मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं आपको सिर्फ पैकेट पर ही दिखा पा रही हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी, मैं जल्दी घर से निकल जाऊँगी, जल्दी मार्केट में पहुँच जाऊँगी, रश नहीं होगा, तो मैं आपको अच्छे से एक एक पीस ओपन करके एक्सप्लोर कर पाऊँगी। सो आप देख सकते हैं गाइज 350 के रेंज में इनके पास काफ़ी सारे सूट के कपड़े अवेलेबल हैं। एंड गाइज ये जो पिंक वाला आप कपड़ा देख रहे हैं, इसी कलर में 3 पीस मेरे सामने ही सेल हुए थे, जो कि रियली पास से देखने में बहुत अमेजिंग कलेक्शन है। तो 350 में गाइज मुझे तो ये काफ़ी वर्थ इट सूट लगे। इनके पास काफ़ी सारा ऐसा कलेक्शन था जो कि अगर आप अदर मार्केट से लेने जाएं तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। एंड जो ग्रीन वाला पीस आप देख रहे हैं फ्रंट पे, ये भी काफ़ी सामने से देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका लुक था। तो यहाँ पर आपको मोस्टली 350 में ही सूट अवेलेबल होंगे। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी सारा प्रिटी कलेक्शन इनके पास अवेलेबल है। तो जब भी आप मार्केट आएँ, मेट्रो स्टेशन के बाद की फर्स्ट वाली जो पटरी लेन होती है उसको पूरा विजिट करें, आपको बहुत अच्छा कलेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। एंड गाइस थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिंग्स का, इयररिंग्स का और नेक पीस का कलेक्शन मिलेगा। ये जो आप रिंग देख रहे हैं, एसएन में आपको 150 रुपीस तक मिल जाती है, बट यहाँ पे फिक्स प्राइस है 100 रुपीज़। और ये जो आप सिंगल चेन वाला नेक पीस देख रहे हैं, ये दोनों गाइस इनका प्राइस भी 50 रुपीज़ ही था। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इयररिंग्स का कलेक्शन मिल जाएगा। इन इयररिंग्स का प्राइस भैया ने 100 रुपीज़ कोट किया था, बट हाँ ये बार्गेनिंग करने के लिए रेडी थे, मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने बार्गेन किया भी नहीं। सो आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी सारा यहाँ पे जंक जूली का कलेक्शन भी था। देन थोड़ा आगे जाते ही मुझे मार्केट में मिली है लेगिंग्स की सेल, यहाँ पर भी फिक्स प्राइस था 150 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ में यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ टाइप की लेगिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कलर्स का भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गाइज ये भी वही लेन चल रही है अभी इंद्रलोक पटरी मार्केट की फर्स्ट वाली लेन मेट्रो स्टेशन के बाद की, एंड इसी लेन में आपको जगह जगह पे ये कपड़े मिल जाएंगे। इस वाले कपड़े का प्राइस 200 रुपीज़ पर मीटर था। ये सारा आप देख सकते हैं नेट का कपड़ा है, ये वाइट वाला ले लो या फिर वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था ग्रे कलर का। इन पे मेरे को तो लगता है कि सारा प्राइस इन बटरफ्लाइज़ का ही है, बाकी कपड़ा नेट का था। अगर आप इसको खरीद कर पर मीटर के अकॉर्डिंग कोई गाउन वगैरह सिलवाते हैं या फिर कुछ अदर स्टाइलिश ड्रेस बनवाते हैं तो ये कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा, 200 रुपीज़ पर मीटर। एंड गाइज इस मार्केट में आपको जगह जगह पर इस तरह से लहंगों की शॉप भी मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा जरी का वर्क हो रखा है इस लहंगे पर। सो ये जो आप लहंगा देख रहे हैं गाइज, इसका प्राइस 1300 रुपये भैया कोट कर रही थी। सो बार्गेनिंग करने वाले तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर भी लेते हैं, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा लगा। सो आफ्टर बार्गेनिंग इसका क्या प्राइस रहेगा वो तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, वो तो बार्गेनिंग स्किल्स तो मुझ में है ही नहीं, बट हाँ मुझे इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लगा। 1300 रुपये भैया ने कोट किया था, तो 1300 रुपीज़ भी इसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही प्राइस लगा। एंड लहंगों के साथ साथ इनकी शॉप पे काफ़ी सारे सूट का भी कलेक्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। एंड साथ में जो ऊपर आपको गाइज लहंगे दिख रहे हैं, इनका प्राइस 600 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। एंड गाइज ये जो आप रेड कलर का लहंगा देख रहे हैं, ये एक ब्राइडल लहंगा है, इस पर रेशम के कपड़े के ऊपर सितारों से वर्क हुआ है। तो इसका प्राइस भैया ने 2500 रुपीज़ कोट किया था, बट भैया इसमें भी बार्गेनिंग के लिए तैयार थे। तो 2500 में ये लहंगा बहुत ब्यूटीफुल था, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 800 रुपये से स्टार्टिंग है लहंगों की, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज है। 800 रुपीज़ से आप बार्गेन करके भैया को 700 पे 600 पे भी ला सकते हैं, बार्गेनिंग यहाँ पे अवेलेबल थी। एंड ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं गाइज, इसका प्राइस उन्होंने मुझे 3300 रुपीज़ कोट किया था। इस गाउन पे वीडियो में देखने में वो सारा मिरर वर्क लग रहा है, बट ये मिरर वर्क नहीं है गाइज, ये सारे स्टोन्स हैं। एंड साथ में ही आपको ये जो ड्रेस दिख रहे हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा प्रिटी ड्रेसेस थे। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से इस पर कितना ब्यूटीफुल वर्क किया गया है। बट गाइज ये सारे गाउन अबव 2000 रुपीज़ थे, कुछ का प्राइस 2500 था, कुछ का 3000, और ये जो आप देख रहे हैं पीच कलर का, इसका प्राइस 3300 रुपये ही भैया ने मुझे कोट किया था, जिसपे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इस पे मिरर वर्क है। बट हाँ यहाँ जो नीचे आपको कलेक्शन मिल रहा है, ये भी ऊपर वाले कलेक्शन से थोड़ा सा ही डिफरेंट था, बट ये सारे 500 रुपीज़ पर पीस था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जरी वाला वर्क मिल जाएगा, बट मे बी हो सकता है डिज़ाइन में कुछ डिफरेंट हो या फिर कुछ डिफेक्ट हो पीसेस में, जो कि 500 रुपीज़ में और ऊपर 3300।
एंड गाइज इसी शॉप के अंदर आपको काफ़ी सारे गाउंस और शरारा सूट का भी कलेक्शन मिल जाएगा। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल गाउंस एंड शरारा सूट का कलेक्शन है, बट मोस्टली का प्राइस आपको 200 रुपीज़ के अबव ही मिलेगा। कुछ यहाँ पे 2200 के हैं, कुछ 2000 के, कुछ 2300 के, और यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस है गाइज वो 3500 है, यानी कि 3500 रुपये। बट अच्छी बात है शॉप की ये थी कि यहाँ पे बार्गेनिंग की फैसिलिटी थी। ये जो आप सूट देख रहे हैं शरारा सेट था, इस शॉप का सबसे सस्ता सूट यही था जो कि भैया ने 1800 रुपये कोट किया था। मुझे लेना होता तो मैं ज़रूर बार्गेन करती। अब शॉप के बाहर चलते हैं गाइज, इसी लेन में आपको काफ़ी सारे हेयर एक्सेसरीज़ की भी शॉप मिल जाएगी। एंड ये जो आप सेल देख रहे हैं गाइज, ये इक्वल टू सरोजनी नगर की सेल है। यहाँ पर जितनी भी मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ सबके प्राइस 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड साथ में काफ़ी सारी हेयर एक्सेसरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लिप क्लैचर्स मिल जाएंगे, साथ ही डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर आपको गजरा मिल जाएंगी, जिसमें आप गजरा कह लो या फिर जूड़े वाला रिबन कह लो, सबका प्राइस यहाँ पे 50 रुपीज़ है। एंड ये वाले जो आप क्लिप देख रहे हैं ये ब्राइडल्स यूज़ करती हैं या फिर आप किसी हैवी ड्रेस के साथ यूज़ करते हैं, तो ये आपको 20 रुपीज़ ईच पेयर मिल जाएगा। साथ ही इनके पास भी ये ब्लेंडर ब्रशेस वगैरह सबका प्राइस 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। सो अब बात करते हैं इस मार्केट के इयररिंग्स और एक्सेसरीज़ के कलेक्शन की। सो गाइज़ इस मार्केट में जितने भी आपको इयररिंग्स मिलेंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सरोजनी नगर में सबसे ज़्यादा फ्रेश और ट्रेंडी कलेक्शन इयररिंग्स का होता है। बट इस टाइप के जो भी आपको मिरर वर्क के यहाँ पे झुमके दिख रहे थे, ये मुझे सरोजनी नगर से अच्छा कलेक्शन यहाँ पर लगा, जो कि काफ़ी कम था लेकिन हाँ 100 रुपीज़ का पर पेयर था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड साथ में आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मांग टीकास मिल जाएंगी, इन सबका प्राइस भी भैया ने 80 रुपीज़ मुझे कोट किया था। एंड नीचे आपको जो इयररिंग दिख रहे हैं ये 100 रुपीज़ ईच पेयर था। साथ में आपको जो नेक पीसेस दिख रहे हैं ये भी 100 रुपीज़ ईच पेयर था। अगर इसी टाइप के स्टोन वर्क आपको सिंगल चेन में चाहिए तो उसका प्राइस 50 रुपीज़ फिक्स था, बाकी कोई बार्गेनिंग नहीं थी। बाकी इयररिंग्स का ये वाला कलेक्शन मुझे अमेजिंग लगा गाइस। और ये जो आप चूड़ियों का कलेक्शन देख रहे हैं ये गोल्डन एंड सिल्वर कलर, इसमें आपको पर पैकेट में 24 मिलेंगी चूड़ियाँ, जिनका प्राइस मैंने 150 रुपीज़ कोट किया था। गाइज ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये स्पेशली चूड़ियों और बैंगल्स की ही हैं। जो मैं आपको ये चूड़ियाँ दिखा रही हूँ अभी, ये अभी तक मैंने जितनी भी आपको दिखाई होंगी मे भी आपको सेम लगा हो, बट गोल्डन कलर में ही इनके पास 2 या 3 वैरायटी की चूड़ियाँ हैं। एक प्लेन गोल्डन है, एक ऐसा गोल्डन है जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, सो एक 150 का था एंड दूसरा गोल्डन आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी ये वाला भी चूड़ियों का कलेक्शन बहुत अमेजिंग था। इस पूरे सेट का प्राइस भैया ने मुझे 200 रुपीज़ कोट किया था। बाकी यहाँ पे आपको राजस्थानी टाइप की जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी मिल जाएंगी, एंड राजस्थानी चूड़ियों के साथ जो सेट वाले बैंगल्स होती हैं वो भी आपको 2 बैंगल मिलेंगे गाइस 150 रुपीज़ में। ये वाले जो आप बैंगल देख रहे हैं ये न्यू ब्राइड जो होती हैं वो कैरी कर लेती हैं, सो उनके लिए ये है 150 रुपीज़ का पूरा सेट। चाहो तो बार्गेन कर सकते हो, मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने बार्गेन किया भी नहीं। एंड गाइज ये जो आप चूड़ियाँ देख रहे हैं इसमें आपको सारा पूरा जो सेट दिख रहा है ये 150 रुपीज़ का मिल जाएगा, और यहाँ पर लाइट वेटेड से लेके हैवी वेटेड तक हर टाइप की चूड़ियाँ अवेलेबल थी। एंड साथ में मार्केट में आपको जगह जगह पर इस टाइप से सेल मिल जाएंगी, बट सबसे सस्ती एंड चीप सेल यही थी। ये सारी एक ही सेम पटरी चल रही है गाइज, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जुतियाँ अवेलेबल हो जाएंगी। ये सारी मोस्टली फ्लैट्स ही हैं इनमें, एंड इसमें आपको 150 रुपीज़ में काफ़ी सारे डिज़ाइन एंड कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड गाइस इस मार्केट में आपको जगह जगह पे कई तरह के लेसेस भी मिल जाएंगे, जिनको आप अपने सूट के बॉर्डर पर या फिर दुपट्टे के साथ साइड में कैरी करके बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस मार्केट में ऐसे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे या फिर सेल पे पटरी पे इस तरह के लेशेस मिल जाएंगे। कुछ लेशेस होते हैं जिनका काफ़ी चौड़ा बॉर्डर होता है और कुछ का काफ़ी लीन बॉर्डर होता है, बट हाँ सभी काफ़ी ब्यूटीफुल थे। ये वाले जो आप देख रहे हैं गाइज इनका प्राइस 30 रुपीज़ पर मीटर था, लेकिन इनके पास काफ़ी चीप प्राइस के भी लैशेस हैं, वो आगे थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये जितने भी आप देख रहे हैं 30 रुपीज़ वाले हैं सारे, और सामने से देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी। अब जो आप लैशेस देख रहे हैं गाइज ये वाले भैया ने मुझे स्पेशली बताया 5 रुपीज़ पर मीटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, और जो वहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े वाले वो आपको 20, 30, 40 ऐसे अलग अलग रेट पर मिलेंगे। गाइज इस सस्ती और बजट फ्रेंडली मार्केट में आपको जगह जगह पर इस तरह से डोरमेट अवेलेबल हो जाएंगे,
तो यहाँ पर जो डोरमेट थे ये 150 रुपीस के दो थे और फिर 80 रुपीस का ईच था। बट हाँ, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं शॉप पर, कोई नहीं रहता है, तो मैंने देखा था भैया कुछ ऐसे डोरमेट थे जो कि काफ़ी छोटे थे साइज़ में, तो उनको 50 रुपीस का भी ईच दे रहे थे। सो यहाँ पर डोरमेट्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन मुझे मिला। एंड थोड़ा आगे जाते ही मुझे ये वाली सेल मिली जहाँ पर मुझे काफ़ी सारा कर्टेन का कलेक्शन मिला। इनके पास ईच कर्टेन जस्ट फॉर ₹100 था। ये सारे 5 मीटर वाले कर्टेन थे। सो आप देख सकते हैं मोस्टली इनके पास ब्राउन कर्टेन का कलेक्शन है। तो ₹100 में यहाँ पे कर्टेन थे, तो यहाँ पे आपको मोस्टली यहाँ पे पिंक कलर मिल जाएगा, ब्राउन कलर मिल जाएगा एंड ब्लू कलर मिल जाएगा। एंड डिज़ाइंस आपको इन तीन कलर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। ये भैया भी एवरी थर्सडे सेम जगह पर ही अपनी सेल लगाते हैं, जिसमें ₹100 की कर्टेन भैया सेल करते हैं। एंड गाइज, जैसा कि अब समर आ चुकी है, तो सभी को अपने फ्रिजर में भर के रखने के लिए बॉटल्स की भी याद आ गई होगी। सो इसीलिए मार्केट में आपको जगह जगह पर इस टाइप से बॉटल का एंड प्लास्टिक मटेरियल्स का कलेक्शन भी दिख जाएगा। सो ये जो मैं ब्लू वाला आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ गाइज, इसमें आपको पर पैक पे 4 बॉटल्स मिलेगी। इसका प्राइस भैया ने मुझे ₹80 कोट किया था, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को इनका जो क्वालिटी था वो मिल्टन की बॉटल्स जैसा नहीं लगा था। मिल्टन की भले ही थोड़ी महंगी आती है, बट क्वालिटी वाइज वो अच्छी। यहीं पर मार्केट में सोफ़ा कवर की भी सेल चल रही थी, तो ये जो आपको मेरे हाथ पर दिख रहा है इसका प्राइस था ₹150 में 5। ठीक है, तो ये 5 का सेट था ₹150 का, और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये 100 के 5 कवर थे। सो हाँ, इसमें श्योरिटी नहीं है कि आपको सेम डिज़ाइन पूरे 5 मिल जाएंगे। सो कई बार आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा, लाइक ये खुली सेल है तो यहाँ पे जिसको जितना मन करे वो उतना लेके जा रहा है। कोई सेट वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। बाकी सोफ़ा से रिलेटेड आपको जितना भी मटेरियल चाहिए वो भी आपको इस मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए। सो गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह पर, जल्दी मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।